Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. ब्राम्पटन के कब्रिस्तान में फायरिंग से तीन अफराद जख्मी, दो की हालत नाजुक। पुरसकून मंजर अफरा-तफरी में बदल गया। कैनेडा इमरजेंसी कमर्शियल रेंट असिस्टेंस में तौसी का मुतालबा, निजी शोबे के मुतादिद अरकान सितंबर में मुलाजमीन के दफ्तर में वापस आने का इरादा करने लगे। कैनेडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। कैनेडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,28,948 हो गई। कैनेडा में मंशियात के आदि कुछ कैदी शदीद तकलीफ में मुब्तला, वबाई अमराज में मुमकिन तौर पर जान बचाने वाले इलाज के मुंतजर कैदियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,56,58,560 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 8,55,181 हो गईं। ट्रंप तशद्दुद नहीं रोक सकते क्योंकि बरसों खुद लोगों को मुश्तइल किया। जो बाइडेन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले मुल्क में अखलाकी क़यादत को ख़त्म कर दिया था। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने करप्शन के इल्ज़ाम में फौजी इत्तेहाद के कमांडर और उनके बेटे को ओहदे से बरतरफ कर दिया। भारत का चीन पर इल्ज़ाम, चीनी हुकाम कहते हैं सरहदी फौज ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस नहीं की, इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com. Canada mein aapke paas doctor aur lawyer hona bahut zaruri hai. Hum aapko batane ja rahe hain ek aisa naam jo hai reliable, trustworthy and honest. Law firm of Shikha Sharda, 905-956-6699 for family law, real estate, wills और किसी भी तरह के affidavit या पैरा लीगल प्रॉब्लम के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699। ब्राम्पटन में कब्रिस्तान में फायरिंग के वाकये में तीन अफराद जख्मी हो गए, जबकि दो अफराद की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्राम्पटन में एक कब्रिस्तान में फायरिंग के वाकये में तीन अफराद जख्मी हो गए, जबकि दो अफराद की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। पील पुलिस की जानिब से बताया गया कि एक पुरसकून मंजर अफरा तफरी में बदल गया। लोगों के एक ग्रुप ने ब्राम्पटन कब्रिस्तान में बंदूकें निकाली और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को फायरिंग में मुलव्वस 7 अफराद की इत्तला मौसूल हुई। जख्मी होने वाले 3 अफराद गोलियां लगने से जख्मी हुए थे, ताहम उनकी उम्र जारी नहीं की गई। पुलिस की जानिब से कहा गया कि फायरिंग की वजह मालूम नहीं हो सकी, जबकि पुलिस 2 मुश्तबा गाड़ियों, एक नीली मर्सिडीज और एक सफेद होंडा की तलाश कर रही है। वाकये के सबब कब्रिस्तान के एतराफ में रहने वाले अफराद खौफ में मुब्तला हो गए। माहिरीन ने कैनेडा इमरजेंसी कमर्शियल रेंट असिस्टेंस में तौसी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन के कैनेडा इमरजेंसी कमर्शियल रेंट असिस्टेंस में तौसी का मुतालबा किया है। ऑटोवा के बिल्डिंग ऑनर एंड मैनेजर एसोसिएशन को उम्मीद है कि कारोबारों के लिए एक रीसेट साबित होगा, क्योंकि निजी शोबों के मुतादिद मेंबरान सितंबर में मुलाजमीन के दफ्तर में वापस आने का इरादा कर रहे हैं। ओहदेदारान का कहना है कि अगर हम सितंबर में नए चैलेंजेस का जायजा लेते हैं तो प्रोग्राम में एडजस्टमेंट की सिफारिश करेंगे और किरायेदारों पर ज्यादा तवज्जो देंगे। कैनेडा का इमरजेंसी कमर्शियल किराया मावनत CACRA प्रोग्राम अहल तजारती अमलाक के मालकान को अपने किराएदार के लिए किराया कम से कम 50% पूरा करने के लिए गैर महफूज काबले माफ कर्ज की पेशकश करता है। इसके बदले में एक जमींदार को छोटे कारोबारी किरायेदारों से वसूल करदा किराए में कम से कम 75% तक कमी लानी पड़ी। इस प्रोग्राम के लिए मकान मालिकान दरखास्त देते थे और वो सिर्फ छोटे कारोबारी किरायेदारों के अहल थे जिन्होंने वबाई अमराज की वजह से अपनी आमदनी का 70% खो दिया था। कैनेडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कैनेडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,28,948 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,28,948 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,126 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 62,492 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,760 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमुई तादाद 42,309 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,811 है। अल्बर्टा में 13,902 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 239 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 5,790 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 208 है। कनाडा के वफाकी कैदी इलाज के मुंतजर हैं। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इंतज़ाम 52 जेलों में 494 कैदी वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी तादाद मार्च में 447 थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वफाकी कैदी इलाज के मुंतजर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंशियात के आदि कुछ कैदी शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। पूरे मुल्क में वबाई अमराज में मुमकिन तौर पर जान बचाने वाले इलाज के मुंतजर कैदियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम 52 जेलों में 494 कैदी वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी तादाद मार्च में 447 थी। माहरीन का कहना है कि वेटिंग लिस्ट में इजाफा और मरीजों की बड़ी तादाद को दवाई से दूर करना खतरनाक है, जबकि इससे ओवरडोज का भी खतरा है। वफाकी हुकाम ने इस हवाले से मौकफ देने से इनकार कर दिया। भारत में कोरोना के मजीद 65,000 से जायद मरीज सामने आ गए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 36,84,000 से जायद हो गई, जबकि मजीद 802 अफराद जान से गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,56,58,560 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 8,55,181 हो गईं। भारत में कोरोना के मजीद 65,000 से जायद मरीज सामने आ गए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 36,84,000 से जायद हो गई, जबकि मजीद 802 अफराद जान से गए। फ्रांस, इराक, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और यूक्रेन में भी कोरोना वायरस में तेजी से इजाफा हो रहा है। उधर अमरीका में मुसद्दका केसेस 61,56,000 और ब्राजील में 30,47,000 से जायद हो गए। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,21,515 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 39,10,901 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है, जहाँ कोरोना से 65,469 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 36,94,878 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 17,299 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 10,48,000 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 21,571 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस की तादाद 3,75,212 है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 41,501 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 3,35,873 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,897 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,15,772 तक जा पहुंची है। जो बाइडेन का कहना था कि सदर ट्रंप अपने हामियों को रोकने में नाकाम हो चुके हैं, ये उनकी कमजोरी जाहिर करता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक जमात के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का कहना है कि मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तशद्दुद को नहीं रोक सकते, क्योंकि बरसों उन्होंने खुद लोगों को मुश्तइल किया है। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्की मुजाहरों के दौरान अफरा तफरी ये ट्रंप का अमन अमान है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले मुल्क में अखलाकी क़यादत को ख़त्म कर दिया था और वो तशद्दुद रोकने के भी अहल नहीं, क्योंकि खुद लोगों को तशद्दुद पर उकसाने में मुलव्वस हैं। जो बाइडेन का कहना था कि सदर ट्रंप अपने हामियों को रोकने में नाकाम हो चुके हैं, ये उनकी कमजोरी जाहिर करता है। जो बाइडेन ने सवाल उठाया क्या किसी को यकीन है डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सदर मुंतखब किया जाए तो तशद्दुद कम होगा। अमरीकी डेमोक्रेटिक जमात के सदारती उम्मीदवार ने कहा कि जलाओ खहराओ लूटमार और तशद्दुद करना एहतजाज नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। कबल अजीम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा सदारती इंतखाब में कामयाब होने की सूरत में अमरीकियों को 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। नवम्बर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत के लिए सदारती उम्मीदवार की नामजदगी मंजूर की थी। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर वजारत दिफा में मुबैना करप्शन की तहकीकात जारी हैं, जिसके दौरान शहजादा फहद समेत मुतअद्दिद फौजी और सरकारी अफसरान की बरतरफियां करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने करप्शन के इल्जाम में फौजी इत्तेहाद के कमांडर और उनके बेटे को ओहदे से बरतरफ कर दिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर वजारत दिफा में मुबैना करप्शन की तहकीकात जारी हैं, जिसके दौरान शहजादा फहद समेत मुतअद्दिद फौजी और सरकारी अफसरान की बरतरफियां करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने करप्शन के इल्जाम में फौजी इत्तेहाद के कमांडर और उनके बेटे को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान जारी करते हुए मुश्तरका फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शहजादा फहद बिन तरकी बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को करप्शन के इल्जाम में बरतरफ करके जनरल मतलब बिन सलीम को उनकी जगह मुश्तरका फौज का कमांडर तैनात कर दिया गया। शहजादा फहद के बेटे अलजौफ खत्ते के नायब गवर्नर शहजादा अब्दुल अजीज बिन फहद को भी उनकी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिया गया है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर वजारत दिफा में मुबैना करप्शन की तहकीकात जारी है, जिसके दौरान शहजादा फहद समेत मुतअद्दिद फौजी और सरकारी अफसरान की बरतरफियां करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में भी इंसदाद बदउनवानी मुहिम के दौरान शाही खानदान के दर्जनों शहजादों वज़रा और उमरा को नजरबंद कर दिया था। सऊदी अरब ने यमन में हौसी बागियों की सरकोबी के लिए 2015 में इस्लामी फौजी इत्तेहाद तश्कील दिया था, जिसके कमांडर इन चीफ जनरल राहिल शरीफ हैं। भारत ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। चीन ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि चीनी सरहदी फौज ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस नहीं की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। चीन ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि चीनी सरहदी फौज ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस नहीं की। भारत ने कहा कि PLA ने 29 और 30 अगस्त की शब इश्ताल अंगेजी नकलो हरकत की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर सतह की फिलिंग मीटिंग चुशाल पर हो रही है। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीनी सरहदी फौजी LAC की सख्ती से पासदारी करते हैं। दोनों ममालिक की सरहदी अफवाज इलाकाई उमूर पर बात कर रही है। वाज़ेह रहे कि लद्दाख के इलाके गुलवान में 15 जून को हुई भारतीय चीनी फौजी झड़पों में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.